नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज हम जो प्रश्न पर चर्चा करेंगे ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों को जानना जरूरी है। आप सभी जानते हैं जब भी हम कोई करने के प्रश्न बनाते हैं तो इसके लिए कुछ जो मूलभूत जानकारी है वो हमें होनी चाहिए। वो कौन कौन सी जानकारी है मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर आपको करनी के बारे में पता है, वर्गमूल के बारे में पता है, तो इसके अंदर कोई भी संख्या जब दो बार आता है तब उसको हम एक बार बाहर निकालते हैं। कहने का मतलब है जैसे अगर चार लिखा है तो इसमें निश्चित रूप से कोई संख्या दो बार आया है ना, तो इसका करनी घात नहीं दिया कुछ भी, तो यहां पर हम क्या मानते हैं, दो मानते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, दो गुणित दो, तो इसमें करनी घात कितना है, दो है, तो ये दो बार एक बार जोड़ा बनेगा दो का, तो निश्चित रूप से इसका टोटल जो आंसर है कुल मिलाकर दो आएगा। और एक बात और याद रखें, इस प्रकार के जब भी हम प्रश्न बनाए ना तो इसमें हमें जो करनी में है उसको वर्ग के रूप में लिखना है, या कोई सामान्य संख्या है उसको हम वर्ग के रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या है यहां पर तीन लिखा है या पांच लिखा है, कोई भी लिखा है, और इसको मैं वर्ग के रूप में लिखना चाहता हूं और इसके मान में कोई परिवर्तन ना आए, तो इसको मैं वर्ग के रूप में कैसे लिखूं कि इसका मान वैसा ही रहे जैसे दिख रहा है लेकिन मुझे आवश्यकता है वो वर्ग के रूप में दिखे, स्क्वायर के रूप में दिखे। तब मैं क्या करूंगा, इसका अगर मैं डायरेक्ट वर्ग कर देता हूं ना तो ये तो तीन तीन ना हो जाएगा, इसका तो मान बदल गया। लेकिन यदि इसी को मैं इस प्रकार को इसमें पहले वर्गमूल लगा दूं, अंडर रूट लगा दूं, उसके बाद यदि मैं इसका वर्ग करूं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमेशा याद रखिए ये वर्ग दिख रहा है और ये वर्गमूल दिख रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये देखिए ये वर्गमूल है और हमने पूरे का स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको तीन गुणित तीन, मतलब या तो तीन का वर्ग करते हैं या फिर तीन गुणित तीन, और इसको जब आप हल करोगे तो कितना आएगा, तीन ही आएगा। तो इस प्रकार आप कोई भी संख्या हो जो सिंगल दिया हो और हमें आवश्यकता पड़ रही है कि हम उसको वर्ग के रूप में लिखें, तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, उसको वर्गमूल में लिख दीजिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके गणित जो है क्या हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों इन बेसिक के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। एक बात और बता दूं आपको, जो गणित के जो मुख्य सूत्र होते हैं ना उस सूत्र के बारे में बता देता हूं। एक सूत्र होता है ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर होता है, तो एक तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखिए इसको शुरू में लिखें या बीच में लिखें इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लास्ट में लिखें कहीं भी लिखें, इसको हम इस रूप में भी आपने सूत्रों को याद किया होगा 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसे हमें मतलब नहीं रखना है, आपको केवल यह देखना है कि a प्लस b का स्क्वायर हो तो इस प्रकार होता है। और हां यदि ये माइनस हो जाए तो माइनस यहां पर लगाते हैं, समझ आ रहा है, या फिर यहां पर लगाएंगे, ठीक है, यह आपको याद रखना है, स्क्वायर वाला में प्लस या माइनस नहीं होता है। तो आपको ये दोनों सूत्र याद रखने हैं। तो आइए अब इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से हल करते हैं। याद रखिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज्यादा आईपी होते हैं। अब देखिए ये वर्गमूल दिया हुआ है और इसमें कोई अनंत वाला सवाल नहीं है, मतलब ये वर्गमूल यही तक है, यहां पर करने दिया है और ये यहीं पर खत्म हो जा रहा है, तो इसका टोटल मान क्या आएगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको पीछे साइड से हल करते हुए आना रहता है। अब देखिए मैं इस लास्ट पॉइंट को पकड़ रहा हूं, इतने भाग को पकड़ रहा हूं, और आपने यदि करनी को हल करना सीखा है तो आपको पता होगा कि ये जो करनी है वो दोनों में समान होने चाहिए तब हम उस संख्या को जोड़ सकते हैं। तो देखिए ये बिना करनी वाला है और ये करनी वाला है ना, तो हम इनको हल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता है कि हम इस सूत्र के रूप में कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते हैं, तो इसको हम दो भाग में तोड़ेंगे, इस भाग की बात कर रहा हूं, इसको हम दो भाग में तोड़ेंगे, तो इसको हम तीन और चार के रूप में तोड़ेंगे। देखिए यहां पर देखिए चार भी आया और तीन भी आया, तो इसको यदि हम इस रूप में तोड़ेंगे तो हमें निश्चित रूप से कोई ना कोई एक सूत्र मिल जाएगा जिसके माध्यम से हम इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे वो मैं आपको बता दूं। देखिए तो पहले तो हम इसको हल करते हैं, यहां से हल करते हुए जाएंगे, ठीक है। एक बात और याद रखना, ये जो दिया है वो माइनस दिया है और ये अंडर रूट तीन है, ये यहीं तक अंडर रूट तीन है, बाकी का अंडर रूट तीन लास्ट तक गया है, ठीक है। ये देखिए यहां पर आपने देखा ये अंडर रूट तीन जो लिखा है इसके साथ प्लस एट है, इसके बाद जो अंडर रूट है वो पूरा गया है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हम लिखना है हमें थ्री प्लस फोर, ठीक है। मैंने सात को तीन और चार में दो पदों में तोड़ दिया, प्लस यहां पर लिखा फोर अंडर रूट थ्री। अब निश्चित रूप से ये सूत्र में टूट गया है, कौन से सूत्र में, इस सूत्र में। अब ये प्लस वाला में टूटा है याद रखिएगा, मतलब मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पर देखिए इस सूत्र में टूटा है ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब ऐसा लिखा है
यहां पर। अब आप कहोगे ऐसा नहीं लिख रहा है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है, तो मैंने बताया ना इसको हमें इस रूप में लिख लेना है, इस रूप में लिख लेना है। जैसे ये तीन दिख रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तीन लिखा है मतलब इसको मैं अंडर रूट तीन पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूं, आपको समझ आया होगा। तो तीन लिखा है उसको मैं क्या लिखूं, अंडर रूट तीन पूरे का स्क्वायर। और जो चार लिखा है ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप चाहे तो दो का स्क्वायर कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको दो का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। तो चलो हम इसको दो का स्क्वायर कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट तीन का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में हल करके बता रहा हूं, एक एक चीज आपको बारीकी से समझाऊंगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर मैंने इसको ऐसा लिखा, इसको तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, यहां पर एट को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमें इस रूप में लाना है, इस सूत्र के रूप में लाना है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इस रूप में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट जो तीन जो दिख रहा है उसको मुझे अंडर रूट तीन पूरे का स्क्वायर, अब समझो कि ये क्या है हमारा ए का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस यहां पर चार है तो चार को हम क्या लिख सकते हैं, दो का स्क्वायर लिख सकते हैं निश्चित रूप से। अब यहां पर देखिए हमारे सूत्र में यहां पर देखिए 2ap मतलब देखो चार को यदि मैं क्या करूं 2 × 2 में लिखूं तो दो दूनी चार हो गया, जो लिखा हुआ है दो, उसके बाद चार को हमने दो भाग में तोड़ा 2 × 2 और यहां पर अंडर रूट तीन तो पहले से लिखा है। अब देखिए इसको मैं तुलना करूं तो ये अगर a है और ये यदि b है, ठीक है b का स्क्वायर है ये देखो, तो ए स्क्वायर यहां पर ए स्क्वायर प्लस यहां पर देखिए बी स्क्वायर प्लस 2a और b, क्या इसमें a और b दोनों आया है, निश्चित रूप से यदि इसको हमने a और a माना है तो यहां पर देखिए अंडर रूट 3 भी आया है, और यदि इसको हमने b माना है, b किसको माने हैं केवल दो है ना, दो को b माने हैं उसका स्क्वायर, तो यहां पर दो भी तो आया है, मतलब निश्चित रूप से क्या हो गया इस सूत्र में टूट गया है। और यदि ये इस सूत्र का पालन कर रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए a की जगह कितना है अंडर रूट 3 और b की जगह कितना है दो है केवल। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, अब मैं इसको यहां पर ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए माइनस अंडर रूट तीन, सॉरी इसको हमें कोष्टक नहीं लगाना है, माइनस अंडर रूट तीन और ये हो जाएगा प्लस, यहां पर आ जाएगा ये देखिए अंडर रूट तीन पहले से है और प्लस यहां पर एक, और यहां पर देखिए ये अंडर रूट में है भाई, आठ के अंदर जो संख्या है वो अंडर रूट में है, और इसके बराबर हमें क्या लिखना है सूत्र लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट तीन प्लस दो, ये देखिए मैंने इसको a बोला है और इसको b बोला है, तो अंडर रूट तीन प्लस दो और इसका पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको जस्ट बताया है कि अभी मैंने लिखा था कि कोई संख्या जो है यदि क्या है वर्गमूल के अंदर है, मान लीजिए यहां पर वर्गमूल, चलो इसको हम पांच में लिख करके कोई सूत्र रूप में ऐसा लिखते हैं, और पूरे का स्क्वायर हो तो पूरे का स्क्वायर इस वर्गमूल को क्या कर देता है कटा देता है। ठीक है, या फिर अगर अंदर में वर्ग होना ऐसा वर्ग हो तब भी कटा देता है, कहने का मतलब अगर ऐसा हो तब भी ये क्या करता है, या फिर बाहर निकल जाए ऐसा कहें, तो यहां पर जो वर्ग दिख रहा है ये वाला वर्गमूल को कटा देगा, ये दो बार आया कहने मतलब, तो एक बार बाहर निकलेगा तो ये वर्गमूल कट गया, तो इनके इनके साथ क्या हो गया गुना हो गया। तो यहां पर अब देखिए यहां पर तो माइनस अंडर रूट तीन रहेगा ही भाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहां पर आते हैं, यहां पर आपको अंडर रूट तीन पहले से दिख रहा है उसको रखना चाहिए, इनको हमें इनके साथ गुना करना है, तो ये देखिए आठ, तो मैंने आठ को अंडर रूट तीन के साथ गुना किया और प्लस आठ दूनी 16। अब ये जो है फिर इसी सूत्र में फिर टूट रहा है, अब क्या करना है यहां पर देखिए ये इसको हमें क्या बनाना है a बनाना है, और ये बीच की संख्या है वो 2ab बनेगा, तो ये b बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसको मैंने बताया ना ऐसा सूत्र आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहां पर देखिए ये इस रूप में लिखा गया है, इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मैं उस रूप में लाना चाहूं तो क्या करूंगा, इसको मैं फिर से क्या करूंगा उस वर्ग के रूप में लिखूंगा, तो मैं इसी को यहां पर लिख के आपको बताता हूं, तो मैं यहां पर लिख दूंगा है ना, सूत्र को मैं नहीं मिटा रहा हूं, सूत्र को रहेंगे है ना, ये लोग हम सूत्र को नहीं कुछ कर रहे हैं, हम केवल क्या कर रहे हैं इस नीचे भाग को हम क्या करेंगे हल करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अंडर रूट जो लिखा है बड़ा वाला वो तो लिखेंगे ही, यहां पर माइनस अंडर रूट तीन, उसके बाद यहां पर प्लस और ये बड़ा वाला अंडर रूट है ना, ये देखो ठीक है ये वाला, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया इसको सूत्र रूप में लिखना है इस प्रकार का, तो मैं इसको क्या करूंगा अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट तीन पूरे का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दो देखते रहिएगा 2 × 4 और अंडर रूट तीन, ऐसा करने से क्या हो रहा है ये देखो, दो दूनी चार हो ही रहा है, इसको हम दो भाग में तोड़ रहे हैं 2 × 4 × अंडर रूट
3 और प्लस यहां पर लिखा है 16, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। समझ आ गया। अब देखिए ये इस रूप में टूट गया, देखिए a का स्क्वायर ठीक है और b के स्क्वायर की जगह ये वाला आया है, है ना, हालांकि इसको हमने क्या किया है बाद में लिखा है। और ये देखो 2ab, इसमें से 2 है, कोई भी को हम a बोल सकते हैं, जैसे ये a है तो ये क्या है b है, मतलब ये जो पूरा दिख रहा है वो इस सूत्र में टूट गया है। अगर ये इस सूत्र में टूटा है तो इसको फिर से हम इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंदर में जो दिख रहा है उसको हम देखिएगा इस प्रकार लिखेंगे, यहां पर आएगा अंडर रूट 3 और प्लस यहां पर तो अंडर रूट है, इसको आप क्या लिखोगे अंडर रूट 3 प्लस 4, इतना ही लिखेंगे और पूरे का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया है इसको हम चाहे तो पूरे का वर्ग लिख सकते हैं या फिर जो वर्ग, इसका मतलब ये समझो ना, ये दो बार आया है तो दो बार आया है देखो, तो एक बार बाहर निकल गया या फिर इस वर्ग को इनके साथ हम कटा देंगे, मतलब बाहर निकल गया, तो आपके पास क्या बचा थी ये देखिए, तो यहां पर आपको क्या करना है अंडर रूट 3 प्लस, अब देखिए ये तो कट गया वर्ग, तो आपके पास बचा अंडर रूट 3 प्लस 4। अब देखिए ये अंडर रूट 3 है और ये भी अंडर रूट 3 है, लेकिन ये माइनस अगर प्लस तो क्या हो जाएगा एक दूसरे से कट जाएगा, तो आपके पास बच क्या रहा है, तो आपके पास केवल क्या बच रहा है अंडर रूट 4। अब जब अंडर रूट 4 को जब आप हल करोगे तो आपका आंसर किस रूप में आएगा, तो आपका आंसर आएगा ये देखो, तो आपका आंसर आ गया केवल 2। निश्चित रूप से आपका आंसर इस प्रश्न में 2 ही आएगा। तो आइए दोस्तों हम एक और प्रश्न देखते हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम एक और बहुत बेहतरीन प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये देखिए ये प्रश्न देखने से कठिन लगता है लेकिन ये कठिन होता नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो संख्या लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो निश्चित रूप से 10,000 का जो वर्गमूल है वो कैसे कितना होगा, याद रखिए यहां पर आप जीरो को देख लीजिएगा, जितना जीरो है ना, इसमें 4 जीरो है तो वर्गमूल में कितना आएगा 2 ही जीरो आएगा, तो निश्चित रूप से इसका जो वर्गमूल है वो कितना होगा 100 होगा, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 4 प्लस यहां पर लिखेंगे 44 प्लस ये जो इसका वर्ग वर्गमूल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। निश्चित रूप से 100 को इनके साथ जोड़ना है क्योंकि यहां पर वर्गमूल क्या हो गया है हट गया है, एक्चुअल में इसको हमने इस प्रकार लिखा है 100 का आपने क्या किया है वर्ग किया है दो बार इसको, तो ये आपने कटाया तब आपके पास कितना बचा 100, तो हमने यहां पर लिख दिया। अब आपको क्या करना है यहां पर 4 प्लस इनको इनके साथ जोड़ना है लेकिन वर्गमूल रहेगा भाई, यहां पर हो जाएगा 144। अब 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 44 तो है प्लस ये हो जाएगा 12 और 12 में आपको 4 को जोड़ना है क्योंकि दोनों में ही वर्गमूल नहीं है, मतलब ये वर्गमूल के अंदर है तो इसको हम जोड़ सकते हैं, यहां पर हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये वर्गमूल में था ये नहीं था, ठीक है, तो इनको हम जोड़ देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 16। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है तो ये तो 4 होता है, बिल्कुल सिंपल है। तो देखा ना, यदि हमें करनी मतलब वर्गमूल के कुछ बेसिक जो नियम है वो यदि याद है तो हम किसी भी करनी के जो प्रश्न है उसको बहुत ही सरलता से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।